टैक्सिया सुनते अबे यार क्या कर लिया तुमने। Hi guys, welcome back to our channel. अगर आप सब न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। Right guys, अभी तुमने लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरा चला लो भाई हाँ तो अभी तुमने लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरा इंग्लिश एग्जाम का, जिसमें मैंने इंग्लिश की तैयारी करी थी, कैसे कैसे करी थी मैंने तुम्हें बताया था। अभी फिलहाल मेरा जो एग्ज़ाम है, मतलब इंग्लिश के एग्ज़ाम को हो गया टाइम, एंड उसके बाद 5-6 दिन निकल भी चुके हैं, तो अब मैं दोबारा से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट। एंड अभी फ़िलहाल वैसे मेरा एग्ज़ाम है फिजिकल का, वो है 12 को, एंड अभी हमारे पास 10 से 12 दिन हैं, उस मतलब थे तो 18 से 15 दिन कुछ, बट स्टार्टिंग के दिन मैंने कुछ ढंग से नहीं करा। मैं वैसे भी आजकल घर पे कम पढ़ता हूँ, मैं अपने भैया के सेंटर पे चला जाता हूँ जो हमारे को अकाउंट्स पढ़ाते हैं, वहाँ पे बैठ के हम सारे कुछ सब कुछ कर लेते हैं, अकाउंट्स भी कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर इकोनॉमिक्स भी कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बिजनेस भी कर लेते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ उनके सेंटर ही, एंड दिखाऊंगा, पहले अकाउंट्स पढ़ेंगे, बिजनेस भी बीच में पढ़ेंगे, फिजिकल भी बीच में पढ़ेंगे, तो ऐसे चलता रहेगा। तो या अभी जस्ट चलते हैं, लेट्स गो। आजकल देखो इतनी सारी बुक्स एक ही बैग में लेके जानी पड़ती है, तो स्कूल की याद आ गई है, जैसे स्कूल में भर के नहीं जाते थे पूरी बुक्स की, भाई पहले इस सब्जेक्ट का होगा पीरियड, फिर इस सब्जेक्ट का होगा, फिर इसका इसका इसका, क्योंकि पता ही नहीं चलता। भैया कोई सी भी बुक में से करा देते हैं, जैसे 3 बुक्स है ना अकाउंट्स की, एक ये है एंड एक ये है, 2 ये हैं और एक अलग से ये भी है, तो ये सारी लेके जानी पड़ती है, जब उनका जो मन करता है वो हमें कहते हैं और हमें निकालनी पड़ती है। और उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट की भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में घर नहीं आऊँगा, डायरेक्ट दूसरी ट्यूशन भी चला जाऊँगा, तो ऐसा रहेगा। तो अभी दिखाता हूँ बैग कितना ज़्यादा भरेगा, उसमें कुछ खाने का भी रखता हूँ क्योंकि बीच में भूख भी लगती है। तो अभी दिखाता हूँ ये छोटा सा बैग कितना ज़्यादा भरेगा अभी। गाइस तुम लोग देख रहे हो कैसे इतना सारा सामान लेके जाना पड़ रहा है मेरे को, ऊपर से चार्जर भी लेके जाता हूँ, फोन ना डाउन हो जाए मेरा। अभी भी सामान पूरा नहीं आया है, बैग पूरा भर चुका है, एंड इसमें एक बुक नहीं आ रही है फिजिकल एजुकेशन की, तो मैं इसे पीछे रख रहा हूँ गाड़ी में कि जब क्लास होगी देन हम अपना इसे निकाल लेंगे। तो फिलहाल बस अभी चल रहे हैं हम, ट्यूशन जाते हैं और बस जाके पढ़ते हैं। काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, बीच में इकोनॉमिक्स के ट्यूशन गए थे, अब दोबारा से वहीं सेंटर पे आ चुके हैं एंड फिजिकल पढ़ रहा हूँ। गाइस अभी जस्ट 4 घंटे की क्लास से फ्री होके हम कुछ खाने आए हैं क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी। दिखा दो दे, इसकी मूछें नहीं आ रही, जिसने क्या कराया था अपना रेजर मरवाया, एंड अब ये नहीं आ रही इसकी, अब इसकी मूछ ही नहीं आ रही, अब इसकी मूछ ही नहीं आ रही। इस दुनिया को आ चुका है अंदर बन गया, नहीं लग रहा, बोलो नहीं लग रहा। जैसे अभी जस्ट घर आ चुका हूँ एंड भाई अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, अभी थोड़ी देर सोच रहा हूँ रेस्ट करूँ, क्योंकि 4 घंटे से हम अपना वहीं अकाउंट्स पढ़ रहे थे, उसके बाद ऑल दो मेरा टेस्ट भी था बिजनेस में, बट मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे को भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो हिम्मत ही नहीं हुई थी कि जाऊँ और टेस्ट दे के फिर आके खाऊँ, तो पहले खाने चले गए फिर उसके बाद टाइम निकल गया था, टेस्ट देने नहीं जा पाता। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं टेस्ट अभी घर पर ही अपना कर लेता हूँ, ये आई वी है PDF, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसी में ही देख के, कि ये देख रहा हूँ कि मेरे को आता है नहीं आता, पता चल जाएगा। बाकी अब थोड़ी देर में जाऊँगा मैं दोबारा से सेंटर भैया के, एंड वहाँ पे जाके थोड़ी सी फिजिकल या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ूँगा, क्योंकि अकाउंट्स तो पढ़ ली, बिजनेस अब पढ़ रहा हूँ और रात को भी एक बार पढ़ूँगा। तो हेलो हेलो हैंड शेक करो बाय। हम कर रहे हैं थोड़ी सी ये फिजिकल एजुकेशन, भाई हमारे पास 2-2 बुक्स हैं क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक से पढ़ा जाए और कौन सी बुक से ना पढ़े, काफ़ी कंफ्यूजन है। ये देखो इन हाइपरटोनिया और एटेक्सिया क्या है, एथिसोटोसिस, बड़े अजीब अजीब नाम है, बायो छोड़ी थी, बायो भी आ गया। द नेक्स्ट डे गाइस अनदर डे सेम व्लॉग, एंड जस्ट अभी मैं कर रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़, मैं जस्ट अभी उठा था, मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा, ब्रेकफास्ट में मैंने मस्त परांठे खाए, एंड अभी
मैं कर रहा हूँ बिजनेस स्टडीज। कल रात को मैंने थोड़ी सी बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन पढ़ी, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थोड़ी ना कहीं हार्ड लैंग्वेज है, कुछ चैप्टर्स हैं जैसे इंजरी वाला चैप्टर था, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो काफ़ी हार्ड है, एंड वैसे कुछ इधर उधर के और हैं जो थोड़े बहुत लर्न करने वाले हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई। बाकी थोड़ी सी मैंने अकाउंट करी थी, 3-4 क्वेश्चन अकाउंट करे थे, एंड इकोनॉमिक्स का मैंने इंडियन इको का एक चैप्टर रूरल डेवलपमेंट, वो मैंने 25-30% करा था, आज उसे कंप्लीट कर दूंगा रात तक। एक टेस्ट है मेरा उसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो मैंने पहले कर रखा है क्योंकि वो मेरा उसमें भी आया था जब मेरा प्रैक्टिकल था, तो इसीलिए फिलहाल अभी बस ये वाला चैप्टर कर रहा हूँ, एंड वो वाला तो बस एक बार ऊपर से रिवाइज करूँगा, एंड देखता हूँ आज शायद टेस्ट दे आऊँ, कल तो देख ही नहीं आया था। गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ एंड अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने वहीं सेंटर पर जाके वहाँ पर पढ़ूँगा, और बाकी आज भैया का बर्थडे भी है तो उनके लिए हमने केक मंगवाया है, एंड जस्ट मस्त केक कट करवाएंगे, और बाकी आज मेरे बड़े पापा का भी बर्थडे है तो रात को थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे। तो जस्ट अभी ट्यूशन चलते हैं, मतलब ट्यूशन के सेंटर चलते हैं और इंस्टीट्यूशन चलते हैं, और अपना वहाँ जाके पढ़ते हैं थोड़ा बहुत और इन्जॉय करते हैं। चलो आज जैसे पवन पापा का बर्थडे है तो फिलहाल घर में अभी लाइट्स लगवाई है इशिता और ने, मैं एग्ज़ाम में थोड़ा बिजी हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा तैयारियाँ नहीं करवा पा रहा इस बार, तो इसीलिए बाकी आज भी लग रही है। हमने सोचा रात को सारे डिनर करेंगे, इन्जॉयमेंट करेंगे, तो जस्ट वैसे आया तो मैं ऊपर अमन से मिलने था, तो मैं सोचा बाहर भी आ जाता हूँ और इशिता भी आई है। देखो टोटा से हाय हाय, सो ये दिल्ली से आई हुई है वापस, नोनी भी आ रही है आज और अमन भी आया हुआ है, निकले हैं बाहर पार्सल में, हम कुछ खाने जा रहे हैं क्योंकि अभी हमने फिजिकल पढ़ी है, फिजिकल एजुकेशन कोई वैसे पढ़ता नहीं होगा बट हम पढ़ रहे हैं, हमें क्योंकि टॉप मारना है इस बार, अच्छी पढ़ाई जा रही है, मुझे तो मुँह से छिपा रहे हैं क्योंकि इसने भी दाढ़ी ट्रिम कर रखी है जैसे कि मैंने कल बताया था, तो इसलिए अपने मुँह छिपाते रहता है हर जगह से, और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ स्कैम होगा, इसलिए हमने रेजर मारा, इसे लगा कि अच्छी बोली भर के आ जाएगी दाढ़ी, इसकी मुझे ही नहीं आ रही है वो, और इससे ज़्यादा मेरी आ रही है। ऑलराइट गाइस अभी जस्ट मोमोज खाने आए हैं, वाओ मोमोज वेरी गुड। और गाइस अभी आ गया है ये वासु भी, इसे भी भूख लगी थी बेचारे को, भूख खा लोग तो सारे डेकोरेट हो गए वो सच गए हो, बट मैं तो बड़ा गंदा लग रहा हूँ, हैं भरजाई आप सब लोग तो भाई तू भी हो गया, क्या हो गया इसे कुत्ते को नहीं लगाया, मैंने लगा दी कुंडी, कैमरे पे कपड़ा ढक के आओ ऊपर जल्दी जाओ, बाकी उसने कुछ करा है वो दिख नहीं रहा है, हां दिख भी नहीं, पता भी कहां चल रहा है, पता भी नहीं चल रहा, ले ये वाला सेगमेंट दिख रहा है, मुझे जस्ट हमें से प्रिटेंड करेंगे मुझे पता नहीं है, तो यार ऐसे ही चल रहा है गाइस अभी। हैप्पी बर्थडे पवन पापा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कहाँ चले, कहाँ खिलाओगे, हाय ब्रदर से हाय टू माय व्लॉग अगेन बैक टू माय कैमरा, ऑपरेशन करी है देखो कितनी सही करी है, और जूते अबे यार क्या कर रही है तुम, वाह जी वाह जी वाह, एक बार आप ट्राई करके देखो, ओह माय गॉड दिखाओ क्या बात है, ये तो मेरे पे मुझे चाहिए था, वाह जी वाह, हां ये गमछे में ये टी-शर्ट लाए, हां जी गर्मियों के लिए, वाह जी वाह जी वाह जी वाह, चलो टी-शर्ट अच्छी लग रही, बढ़िया नंबर लाने क्या है, ये बैलून हमने फुलाए थे जनवरी में, देखो जनवरी से जनवरी से लेके अब तक नहीं हो गए, 5-6 जनवरी के आसपास हमने फुलाए थे और अभी तक। गाइस ये इशिता और सब ने इतना सही सजावट की है, क्या बात है, मतलब ये हमारा ना एरिया ऐसा बन चुका है कि यहाँ पे जैसे हमारा कोई सेलिब्रेशन होती है, दिवाली सेलिब्रेशन या कोई भी सेलिब्रेशन, तो हम इसे ऐसे ही डेकोरेट करते हैं और मज़े आते हैं यहाँ पे, तो जस्ट ये हमारे घर का एक ऐसा एरिया है
जहाँ पे मतलब जब भी पार्टी वार्टी होती है, आकाश भाई का बर्थडे भी हम ऐसे ही बनाते थे, और अपना दिवाली के टाइम पे भी हमने ऐसे ही करा था। जब इस बार हमने ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करनी थी तो हमने यही करा था कि बस ऐसी नॉर्मल सी लाइट लगा दी थी एंड यहाँ पे बैठ के सबने इन्जॉय करा था। आसपास तुम देखो कितना सही लग रहा है। सो या जस्ट ऐसा है। बाकी अभी इशिता ने वैसे मेरे को कहा था कि कैमरा हाइड कर दियो, बट अब वैसे नीड नहीं है कैमरा हाइड करने की, तो या क्योंकि नीचे से ना दिख रहा है कि जो जो हमने कर रखा है, बट ठीक है जो है अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि बारिश भी आ सकती है, बादल खड़ा करें ढूंढ ढूंढ ढूंढ, अगर बारिश आ गई तो फिर कुछ ना कुछ ख़राब ना हो जाए। बट बड़ा सुंदर लग रहा है गाइस यहाँ पे। अभी रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगा मैं। दद्दू आ गया ऊपर। दद्दू कहाँ है? दद्दू भाई मेरा, दद्दू भाई मेरा बेटा, भाई मेरा बच्चा। बच्चे काम कर रहे हैं, बड़े मजे ले रहे हैं। वाह, देख रहे हो गाइस ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है। आज सारे बड़े मजे कर रहे हैं, बच्चे सारे अपना तैयारियां कर रहे हैं। क्या बात है। अभी खेल रहे हैं पासिंग द पास, फिर लोग पास करते हैं ना वो अलग गेम। बाकी बड़े भैया आपका प्रताप ऐसे ही बना रहे और हर प्रकार से हर चीज में वृद्धि हो, आप फले फूलें और प्रभु कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूरवीर पैर नहीं उठा पाते तो अंगद कहता है सामने अंगद भरम अपना मिटा ले तू, तेरी लंका में कोई सूर भी बचाओ तो उसे भी बुला ले तू। जो कंडी करने वाला है वो करता है कब कहता है, ये तो मसूर कहावत है जो घर जाए बरसा का है। भाई बस हो गया भाई। पूरे संसार की आपो सुंदर, पूरे संसार की हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सब बाहर मस्त अपना डिनर कर रहे हैं एंड मैं जस्ट, मेरे को भूख नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी मोमोज खा के आया हूँ।
ये सेम ब्लॉग गाइस, अभी फिलहाल जस्ट अभी मैं उठा था थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा अकाउंट्स को होमवर्क करा एंड अब जा रहा हूँ अकाउंट्स की ट्यूशन, क्योंकि अभी हमारी 3-4 घंटे क्लास होने वाली है अकाउंट्स की। और बाकी कल रात तो भाई मजा आया, बड़े बड़े इन्जॉय करा हमने। ऑल दो मैं थोड़ी देर बाद नीचे आ गया था, मतलब जब सब डिनर कर रहे थे मैं नीचे आ गया था क्योंकि मैंने पढ़ना था थोड़ा सा, और इन्जॉय भी हो गया थोड़ा सा, पढ़ लिया रात को, थोड़ी सी बेटी भी हो गई क्योंकि बिजनेस का चैप्टर नहीं हो रहा था मेरे से, बट कोई नहीं आज करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जा रहे हैं, चलो। अभी हम ट्यूशन से फ्री हो गए थे और हम सो रहे थे। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, ड्राइव कर ले। हमारे को 4 घंटे हो गए हैं पढ़ते हुए। 4 घंटे थे भैया ने क्लास रखी हुई थी, तो अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं अपने, मतलब एक कोने से दूसरे कोने शहर के, तो जहाँ पे हम यूजुअली जाते भी हैं। 3.5 घंटे हुए। अरे चल यार, भैया का पढ़ाया हुआ 4 घंटे से कम नहीं लगता। और बारिश भी शुरू हो गई है। कंट्रोल कंट्रोल। अरे जा रही है मेरा कैमरा। गाइस, अभी जस्ट हम आ चुके हैं अपने अड्डे पे, जहाँ पे हमेशा आ जाते हैं अपना, जब भी मतलब कुछ पीस चाहिए होती है ना, अच्छा सा मौसम। ये देखो, वाओ, ये एक यहाँ पे है, दोनों मस्त। बाकी तीसरा हो रहा, और हमारे ग्रुप के बाकी जो हैं, तनमे का मैथ्स का एग्ज़ाम है तो इसीलिए वो अपना घर पे ही है, और वासु और ख्वाहिश दोनों थक गए थे तो वो अपना घर चले गए, तो मतलब ऐसे हैं। तो हाँ, अभी हम यहाँ पे, भाई इतना मस्त मौसम हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है, मज़ा। बैठे हो तुम लोग मस्त, मैंने स्पीकर लगवा दिया है तुम्हारे लिए, बड़े वाला। बेबी को बेस पसंद है। भी आ चुकी है, ये बात हो गई लांडर। मस्त बारिश आ चुकी है और हम जा रहे हैं अब थोड़ा सा घूमने, फिर अपना जाएंगे पढ़ने वापस। कहाँ लेगी फोटो? बारिश, इतनी तेज बारिश आ गई है, हम जा नहीं पा रहे हैं। वाह, ये हमारी मैम है और मैम हमारे को पढ़ा रही थी और बारिश आ गई। क्या बात है, ओ भाई साहब, भाई क्या हो गया थी पांची? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ज्यादा ही गंदा मौसम हो गया है, कुछ बहुत तेज बारिश हो रही है ना एकदम से। बारिश बहुत तेज हो गई है तो इसलिए हमारे को यहीं सेंटर पे रुकना पड़ रहा है, फिलहाल हम जा नहीं सकते हैं, तो जस्ट इसीलिए अब हम यहीं पे ही हैं थोड़ी देर तक, तो जब तक बारिश नहीं रुकती। और बहुत तेज़ हो रही है भाई साहब, बहुत तेज़, मतलब एकदम से इतनी तेज़ हो गई कि हम जा भी नहीं सकते। ऑल दो मैं तो गाड़ी में आया हूँ, बट सर माए और दीपांशी एक्टिवा पे तो उन्हें छोड़ के भी जाएंगे, तो इसीलिए जाएंगे तो सर एक साथ जाएंगे भाईचारा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिलहाल अभी घर आ चुका हूँ एंड बाकी अभी और कुछ तो ऐसा हमारा प्लान नहीं है, और 3 दिन से मैं ब्लॉग कंटिन्यू रख रहा था और ये काफ़ी लंबा बन गया, तो मैं सोच रहा हूँ इसे एंड कर देता हूँ, कल दोबारा नया स्टार्ट करूँगा। सो या आई होप तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आया, सबको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड इस ब्लॉग को करते हैं एंड। इसमें मैं थोड़ा बहुत दिखाया मैंने तुम्हारे को, मैं कैसे पढ़ रहा था, फिजिकल पढ़ी है, अकाउंट्स पढ़ी है, बिजनेस भी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बाद में। सो या अभी एग्ज़ाम का नहीं था, मतलब इसमें प्रिपरेशन दिखा रहा था मैं, ठीक है, एग्ज़ाम का अलग से होगा प्रॉपर। सो या आई होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग, सो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टाटा सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।